आई एम शेयरिंग न्यू रेसिपी, सो कम विद मी। आज मैं कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कहते हैं आपको जैसे और मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं, आशा आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी हुई है, कोफ्ते भी बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं एक काट के दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो जल्दी से सामान निकाल लीजिए और बनाते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने दो केले लिए थे, इनको मैंने कुकर में उबाल लिए। तीन से लेने के बाद जब प्रेशर रिलीज हो गया तो मैंने खोल के निकाल लिए। ये देखिए अच्छे से उबल गए हैं। इनको मैं हाफ काट के इनका छिलका हटा देती हूँ, आराम से छिल जाएंगे बिल्कुल। और इनको आप या तो आप ग्रेट कर लो या इस तरह से आप मैशर से इसको अच्छे से मैश कर दो, बट होना चाहिए एकदम स्मूथ। फोक से या कांटे से भी आप इस तरह से इसको महीन मैश कर सकते हैं। ये अच्छे से देखिए बिल्कुल मैश हो गया है। इसमें अब हम एक हरी मिर्च मैंने छोटी महीन काट ली है और अदरक चॉप करके रख लिया था, एक टेबलस्पून हरा धनिया डाल दिया और मेरे पास फ्रेश कोकोनट था वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगता है इसका टेस्ट। बाइंडिंग के लिए 2 टीस्पून बेसन डाल देते हैं और इसमें अब डाल देंगे 1 टीस्पून घी। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दी और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, जिससे काफ़ी हल्के बनेंगे कोफ्ते और खटास भी आएगी। इधर हमने तेल गर्म करने रख दिया है। अब हम कोफ्ते बना लेते हैं, छोटे छोटे से गोल बना के इस तरह से राउंड शेप में बना लेते हैं। आप शेप चेंज कर सकते हो जो शेप आपको अच्छी लगती हो। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने अच्छे से राउंड शेप में बना लिए हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं एक एक करके। मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत तेज फ्लेम में नहीं वरना ऊपर ऊपर सिक जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे। तो मीडियम फ्लेम में डाल के धीरे धीरे इनको हम अच्छे से पिंक कलर होने तक या गोल्डन येलो कलर तक इसको सेक लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं। इसको इस तरह से हम घुमाते जा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे बने हैं कोफ्ते। देखिए सिक गए हैं, इनको एक एक करके आप निकाल लीजिए आराम से। गैस ऑफ कर दीजिए। कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिया है, 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए या ऑयल भी डाल सकते हो आप। इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें अच्छा गाढ़ापन आए और टेस्ट भी अच्छा है इसके लिए हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेसन। और इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, मई चॉप कर लिए, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें पिंक कलर होने तक भून लेना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक मिर्च का पेस्ट, मैंने ऑलरेडी पहले ही पीस के रखा हुआ है। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए और तीखापन लाने के लिए डाल देंगे 1/2 टीस्पून देगी मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। देगी मिर्च ऑप्शनल है पर कलर इसे बहुत अच्छा आता है। तो ये इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं और जले ना। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसको पीस लिया था। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये देखिए अच्छे से मसाले भून गए हैं। मसाले अच्छे से भूनने से बहुत अच्छा ग्रेवी का फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मलाई, आप क्रीम भी डाल सकते हो, ये मैंने फेंट के डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ग्रेवी का, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही अगर आपके पास ये टमाटर देसी है, खट्टे हैं, तो आप दही की क्वांटिटी कम कर सकते हो या अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक के पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक कोफ्ते हम बना रहे हैं, कोफ्ते काफ़ी पानी पीते हैं, तो थोड़ी सी पतली हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें 3/4 कप मैंने पानी लिया है। देखिए मसाले कितने अच्छे से भून गए हैं। इसमें मैं ये जार में पानी डाल के, क्योंकि टमाटर का पेस्ट थोड़ा मिक्सी में रह जाता है तो मिक्सी में डाल के मैंने डाला। इसमें डाल देंगे सॉल्ट,
मैंने करीब 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी, इसको क्रश कर लीजिए, इसका मोटा पार्ट हटा दीजिए। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने से ग्रेवी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं। ग्रेवी अभी देखिए थोड़ी सी पतली है। अब इसको हम ढक देते हैं और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट्स के लिए पका लेते हैं। अब मैं खोल के देख रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया से मसाले सब भुन गए, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। हरा धनिया डाल देते हैं। इन कोफ्तों का पूरी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। आशा आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।